नमस्कार दोस्तों, करंट नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम 20 फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां राष्ट्र कौन बना है? ए ईरान, बी सऊदी अरब या सी इराक। इसका सही आंसर है ए ईरान। ईरान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इको सर्किट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए केरल में, बी असम में या सी नई दिल्ली में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? KJ अल्फोंस, केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने केरल के वासनम में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत डेवलपमेंट ऑफ इको सर्किट पाठनम थिट्टा गावी बागामो थेकड्डी परियोजना का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कपड़ा मंत्री ने रेशम क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वोत्तर में 4 परियोजनाओं को शुभारंभ किया, वह कौन कौन से राज्य हैं? श्रीमती ईरानी ने तुरा मेघालय में मुगा सिल्क सीड उत्पादन केंद्र, अगरतला त्रिपुरा में रेशम छपाई और प्रसंस्करण इकाई, संगाईपत इम्फाल में इरी स्पन रेशम मिल और ममित मिजोरम में सेरीकल्चर के विकास का उद्घाटन किया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों में भारत में असम पहला राष्ट्रीयकृत राज्य है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारत में असम पहला राष्ट्रीयकृत राज्य, जो 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किसने और कहाँ किया? ए नरेंद्र मोदी वाराणसी में, बी राजनाथ सिंह आगरा में, सी नितिन गडकरी दिल्ली में। इसका सही आंसर है ए नरेंद्र मोदी वाराणसी में। इस बारी 18वीं बार वाराणसी में गए थे नरेंद्र मोदी जी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यूपी के राज्यपाल हैं राम नाईक हैं, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत की पहली हाईटेक फॉरेंसिक लैब NCFL और CPET का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में या सी कोलकाता में। इसका सही आंसर है बी नई दिल्ली में। बी नई दिल्ली इसका सही आंसर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके क्या हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सेमी ऑटोमेटिक ड्रेनेज सफाई रोबोट कहाँ लॉन्च किया गया? ए नई दिल्ली में, बी मुंबई में या सी चेन्नई में। इसका सही आंसर है सी चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? ए 19 फरवरी, बी 18 फरवरी या सी 20 फरवरी। इसका सही आंसर है सी 20 फरवरी। सी 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? WDSJ 2019 का विषय क्या था? इफ़ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस। इसका विषय इफ़ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? ए सुषमा स्वराज के द्वारा, बी राजनाथ सिंह के द्वारा या सी राजवर्धन सिंह राठौर। इसका सही आंसर है सी राजवर्धन सिंह राठौर। पुरस्कार विजेताओं की सूची देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्री अशोक दिलवाली को मिला है, प्रोफेशनल फोटोग्राफी ऑफ द ईयर श्री SL शांत कुमार को मिला है, अमेचर फोटोग्राफी ऑफ द ईयर श्री गुरदीप धीमान को मिला है, स्पेशल मेंशन अवार्ड्स प्रोफेशनल में श्री अरुण श्रीधर को मिला है, श्री पव और सुंदरव श्री कैलाश मित्तल को, श्री मिहिर सिंह को और मिस्टर रौनित रॉय को मिला है। क्वेश्चन नंबर वो फिर 5वां कौन सा है? स्पेशल मेंशन अवार्ड्स शौकिया के लिए श्री रवि कुमार हैं, श्री
सुश्री एस नीलिमा हैं, श्री मनीषा जायसी हैं, श्री महेश बाल साहब हैं लोनकर, श्री अभिजीत दत्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नामवर सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? ए वैज्ञानिक, बी पत्रकार, सी लेखक। वो थे लेखक थे, इसका ऑप्शन नंबर है सी लेखक। नमन सिंह जी कौन थे? एक लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विलियम ई बटरवर्थ या डब्ल्यू ई बी ग्रिफिन का 89 वर्ष में निधन हुआ, वे कौन थे? ए वैज्ञानिक, बी उपन्यासकार या सी पत्रकार। इसका ऑप्शन है 10 का है बी नंबर, उपन्यासकार थे, विलियम बटरवर्थ उपन्यासकार थे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं? उनकी सबसे लोकप्रिय श्रृंखला में बेज ऑफ ऑनर, क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशंस और प्रेसिडेंटियल एजेंट शामिल हैं, इनके उपन्यासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में स्क्वैश की किस महान खिलाड़ी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? निकोल डोविट या सिमोना हैलेप। 11 का ऑप्शन नंबर है ए निकोल डेविट। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने जैम पर स्वायत्त लॉन्च किया? ए नरेंद्र मोदी, बी सुषमा स्वराज या सी सुरेश प्रभु। इसका सही आंसर है बी, इसका सही आंसर है 12 का सी सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु ने स्वायत्त पर ये लॉन्च किया है, जैम पर स्वायत्त लॉन्च किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में स्वायत्त का शुभारंभ किया है। स्वायत्त का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पर ई लेन देन के माध्यम से स्टार्टअप, महिला और युवा लाभ को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। राधा चौहान कौन है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस की CEO हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में पहली बार डीजल से इलेक्ट्रिक में परिवर्तित लोकोमोटिव का शुभारंभ किसने किया? ए पीयूष गोयल ने, बी नरेंद्र मोदी या सी रामनाथ कोविंद। इसका सही आंसर है बी नरेंद्र मोदी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।